सो हे गाइस, इट्स मी सचिन एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करने में काफ़ी लेट हो गया यार, क्योंकि सुबह से ना बाहर गया हुआ था और थोड़ा जल्दीबाजी का काम था, अदरवाइज नहीं तो मैं वहाँ का ब्लॉग शूट करता। तो फाइनली अभी मैं घर पे हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ब्लॉग। तो आपने स्टार्टिंग में देखा ही कि मतलब मैं काम से ही इसको स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर खैर मेरे पड़े हुए कपड़े भी मैंने कुछ लेटेस्ट मतलब जो मैं बता रहा था आपको सिलवाए थे, ये चार जोड़ी हैं। तो यहाँ पर ये नए पड़े हुए हैं, यहाँ पर शर्ट्स वगैरह पड़ी हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको अभी आयरन करना है। सबसे पहले अपने हाल को सुधारा जाए तो अभी खैर मेरे को जाना है भाई साहब सेविंग कराने। आती नहीं उतनी वो मैं समझ रहा हूँ, बट जो आती है वो थोड़ा बेकार लगती है। और कल मेरे को थोड़ा सा एक मीटिंग में जाना है छोटी सी, फोटोग्राफी पर्पज़ से है कुछ, तो मेरे को कल मूलचंद जाना होगा। तो फाइनली पहले अभी इसको यहीं रहने देते हैं, चलते हैं सेविंग करवा के आते हैं। और सेविंग करवा के आने के बाद फिर देखेंगे क्या नाम है, अब इसको आयरन करना है, फिर थोड़ा बाहर बाहर छत पे चलेंगे, बातचीत करेंगे और ब्लॉग फिर यहीं एंड करेंगे। तो पहले निकलते हैं घर से बाहर। तो भाई साहब सेविंग करवा के आ गया और देखते देखते दिन निकल गया, पता भी नहीं चला। तो अभी जस्ट बाइक अंदर करी है और कपड़े तो खैर चेंज कर लिए थे मैंने, और गर्मी इतनी हो रही है कि भाई पूछो मत। और एक दिक्कत और है कि डेली अगर मैं कमरे में प्लॉग कर रहा हूँ तो भाई साहब मेरे को फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खरखराहट और नॉइज़ आता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मेरे को करना पड़ता है। साथ में ही क्या नाम है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो बाहर भी नहीं गया, और मतलब बाहर गया था शूट नहीं किया बाहर, ऐसा हुआ। तो अभी जो काम रुके हुए थे ना वो अभी करते हैं, जल्दी से पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ, मतलब हाथ पैर मुँह धो लूँ सही से। और भाई साहब पसीना हो रहा है बहुत कैड़ा वाला, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से जल्दी से। और आज का ब्लॉग रात तक खींचेंगे, उसके बाद एडिट करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। खैर अभी ये वीडियो थोड़ी थोड़ी अटक के चल रही है क्योंकि अभी एक्सपोर्ट नहीं की गई है, और फाइल ज़्यादा हैवी साइज़ की है और उस पर थोड़ा कलर ग्रेडिंग भी कर रखी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पॉज होकर चल रही है, अटक के चल रही है। तो खैर वेलकम बैक टू द अनदर डे। कल ब्लॉग पूरा नहीं कर पाया था तो आज मैं मॉर्निंग में कर रहा हूँ, क्या गुड आफ्टरनून हो रही है अभी इस टाइम। और अभी ब्लॉग को मैं एक्सपोर्ट करके और इसे अपलोड कर दूँगा, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, ये 15 अगस्त का ब्लॉग है। और उसके बाद फिर क्या है कि अभी करोल बाग जाने का थोड़ा सा प्लान बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सामान वगैरह कुछ खरीदना था, तो मेरा एक दोस्त जा रहा है तो सोच रहा हूँ कि उसी के साथ निकल जाऊँगा अपनी बाइक लेके, और लेके आ जाऊँगा। वो हिमालयन के रेयर टायर की ट्यूब वगैरह लेनी थी, थोड़ा सा स्पार्क प्लग वगैरह लेना था, क्लच वायर वगैरह, बिकॉज क्योंकि हम जाते हैं कहीं टूर वगैरह पे या ट्रिप पे तो हमें 3-4-5 चीज़ें ज़रूर हमें कैरी करके रखनी चाहिए, अदरवाइज़ क्योंकि कभी प्रॉब्लम हो गई तो आप उसको झेल सकते हो। अगर मिस्त्री मिल गया आपको, मैकेनिक जिसे बोलते हैं, वो बनाने वाला है, पर उसके पास अगर सामान नहीं है तो फिर भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सामान रखो, मैकेनिक मिल जाए उसे डलवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट सामान लेके चलना चाहिए अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हो तो। तो जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, जब तक हम थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं और क्या नाम है यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है, कुछ बादल बादल से हो रहे हैं, आज हो सकता है बारिश हो जाए दिल्ली में, तो अच्छी बात है, ठंडी हवा चल रही है, मे भी शायद पीछे बारिश हुई है। तो अभी क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, देखते हैं क्या बनाया घर पे, और उसके बाद फिर देखते हैं अगर टाइम रहा तो अच्छे से निकलेंगे और लेके आएंगे, अदरवाइज़ नहीं तो मैंने रॉयल एनफील्ड में कॉल कर दिया है, सनशाइन में, वैसे तो SR से मेरा सब कुछ होता है बट सनशाइन में मैंने कर दिया है, अगर वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा तो करोल बाग जाने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं होगी। तो पहले खाना खाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं अभी कॉल करके कि उनका सीन क्या चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ फिर करोल बाग ही जाना पड़ेगा। तो निकलते हैं घर। तो राइट नाउ भाई करोल बाग आ चुका हूँ और सामान ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर कि मतलब किधर मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे सामान है तो देखना पड़ता है कि
कौन सी पर्टिकुलर दुकान पे मिलेगी, अदरवाइज एसेसरीज की दुकान अलग होती हैं और जो टूल्स की दुकान है वो अलग होती हैं। तो अभी करूँगा आपके ये आर्य समाज रोड पे ही हूँ मैं, और एक भाई आए हुए हैं मेरे साथ, अभी उनके साथ जा रहा हूँ और सामान लेके आते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि शाम हो रही है और ये ब्लॉग एंड करना है और एडिट करके अपलोड भी करना है। तो चलिए जल्दी करते हैं और सामान लेके आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस मैं आ चुका हूँ करोल बाग से घर और अभी हो रही है रात, मैंने खाना वाना खा लिया और जैसा आप देख रहे हो कि मेरे टी शर्ट पे लिखा हुआ है गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि किसी चीज़ से घबरा के किसी चीज़ को काम करना छोड़ नहीं देना चाहिए, या मतलब कुछ कर रहे हो और आपका काम हो नहीं रहा तो उसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं है, जो करो उसको एंड तक करो। तो खैर अभी मैं अपने रूम में हूँ और अगेन मैंने अपना पंखा बंद कर रखा है, तो थोड़े दिन और उसके बाद फिर जुगाड़ हो जाएगा। तो खैर मैं बता दूँ, जो मैं आज सामान लेने गया था वो आपको मैं एक एक करके दिखा दूँ, खासकर उनको ये ज़्यादा समझ में आएगा जो बाइक वगैरह चलाते हैं और जो ट्रिप वगैरह करते हैं, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये या तो मैंने वर्थ वाली चीज़ ली है या तो वर्थलेस ली है मैंने। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ और आप बताना फिर कैसा है, क्या लेना चाहिए था मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ट्रिप करते हो और बाहर करते हो कहीं, तो मतलब आपको ना पंक्चर का बहुत डर रहता है अगर आपकी बाइक ट्यूबलेस नहीं है। वैसे तो ट्यूबलेस तो यार छोटी बाइकों में भी आता है, जैसे स्प्लेंडर वगैरह हो गई, बट जो आपके एडवेंचर टूरर टाइप की बाइकें होती हैं ना, तो लगभग उसमें स्पोक्स व्हील ही आता है, बिकॉज कि रिम बैंड हो जाती है अगर आपकी अलॉय होती है, और अदरवाइज अगर आपकी स्पोक्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चर होगा, आपकी रिम बनी रहेगी, तो इसलिए यही रीज़न है। तो वो पंक्चर का हमारे बाइकों में डर रहता है, तो उसी को देखते हुए कि कहीं फंस ना जाए, कभी सोलो राइड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अपने आप से ही जुगाड़ कर लूँ, तो सबसे पहले उन्हीं सब का सामान लेके आया हूँ। तो आपको दिखा दूँ मैं, अगर आपकी बाइक पंक्चर होती है तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, आपको टायर खोलना होगा। तो उसके लिए आपको ये 24mm का स्पैनर चाहिए होगा जो मेरी बाइक में लगता है, और 27 भी है और 24 भी है, कॉम्बिनेशन है ये, जहाँ लग जाएगा वो लगा लेंगे, अदरवाइज 24 से ही खुलेगा। तो ये टपारिया कंपनी का है और ये मैंने लिया है करोल बाग से, 180 या 190 समथिंग का पड़ा है मेरे को शायद से। सेकंड थिंग, पहिया खुलने के बाद आपका क्या होगा कि भाई साहब पंक्चर लगाना होगा, उसके लिए मैंने ये ट्यूब लिए, पता नहीं नाम ओमनी करके कुछ हैगा, तो इसको आपको लगाना पड़ेगा ट्यूब के ऊपर, देन उसके बाद ये टिकली बोलते हैं कुछ, तो ये है, हाँ इसका प्राइस है 40 रुपीज़, देन उसके बाद ये है 100 रुपीज़ का टिकली है, इसमें 40 या 50 पीसेस होंगे जो स्टिकर लगाते हैं पंक्चर के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा भाई, जब पंक्चर लग जाएगा आपका, टायर फिट कर दोगे, सब कुछ लगा दोगे, देन उसके बाद क्या, हवा भरनी पड़ेगी ना, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो इलेक्ट्रिक ले लो या तो मैनुअल ले लो। तो मैंने दिमाग चलाया, मैंने कहा भाई इलेक्ट्रिक अगर गिर गया, कहीं कुछ हो गया और मान लो नहीं चला और एंड टाइम पे धोखा दे गया, तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा, या फिर मैं बैटरी से कनेक्शन करूंगा, फिर उसको चालू करूंगा, कभी बैटरी लो हो गई या कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा इलेक्ट्रिक हटाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो यहाँ पर मैंने एक पंप लिया है, मतलब भरने का हवा, मुझे नहीं पता कैसा परफॉर्म करेगा, और ये लेके आ गया, उसका प्राइस 500 रुपीज़ है और मैनुअल है, आप लगा के और पैर से मतलब पुश करोगे तो उसके बाद ये हवा भर जाएगी। और लास्ट थिंग कि जब ट्रिप वगैरह करते रहते हो तो चेन ना, जितनी भी बड़ी बाइकें उनकी खुली हुई आती हैं, ओपन चेन होती है, क्योंकि वो आवाज़ ना करे, तो उसके लिए देखो मेरे पास लुब्रिकेंट और क्लीनर है ऑलरेडी, देन क्लीन करने के लिए आपको ब्रश की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ब्रश है, ये 50 रुपीज़ का है, अमेजोन पे 200 रुपये का मिल रहा था, तो भाई 150 रुपये बचा लिए मैंने यहाँ पर। तो ये सारा सामान है, लगभग 1000 रुपये का आ गया, और मेरे 2 घंटे स्पेंड हुए, 3 घंटे लगभग करोल बाग में, जो कि आज तक का सबसे कम टाइम लगा है मेरा करोल बाग में। तो ये सारा सामान ले आया और अब मैं थोड़ा ट्रिप पे जा सकता हूँ कहीं अकेले थोड़ा सा, क्योंकि बस अगर कभी कोई ट्रेजेडी हुई तो मैं थोड़ा बहुत संभाल सकता हूँ, एटलीस्ट अगर किसी के पास कोई सामान नहीं है तो ट्यूब, हाँ अभी ट्यूब लेना है मेरे को, तो अभी ट्यूब भी आनी है बाइक की, रेयर टायर की, देन उसके बाद क्लच वायर, रेस वायर और 2-3 फ्यूज वगैरह लेने, तो ये सब लेके मैं एक अलग से सेगमेंट तैयार कर दूंगा, मतलब एक बैग कि इसमें गाड़ी का रिपेयरिंग का सामान है, आप कहीं भी बेहिचक और निश्चिंत होकर घूम सकते हो, स्पार्क प्लग भी लेना है इरिडियम कंपनी का, तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो बताते बताते मेरे को आ गया पसीना, तो इसी के साथ यार इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं सोच रहा हूँ डेली ब्लॉग करने की, धीरे धीरे ऐसी आदत डाल रहा हूँ, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वैसे अब वीडियो के लिए पसीना बहाना पड़ता है।